अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं जय, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं टीटीवी न्यूज़ पर। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज़ अपडेट पर। भारत की मिसाइल पाकिस्तान पहुंची, हिंदुस्तान फौज की मिसाइल पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर गिरी, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने गलती मानी। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 0.49% ही वोट मिले। यूपी इंतखाबात में संजय राउत का बयान, कहा कि ओवैसी और मायावती को बीजेपी की मदद करने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। राउत ने अपने बयान को जारी करते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं को बीजेपी की जीत में किरदार अदा करने के लिए पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। जुम्मे को हिंदुस्तान ने रूस, यूक्रेन और रेडक्रॉस का शुक्रिया अदा किया कि उसने जारी जंग के दौरान यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों से अपने शहरियों को निकालने में मदद की। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जुम्मे को 2022-23 का बजट पेश किया, जिसमें 2.56 लाख करोड़ रुपए के मुजावजा अखराजात है। टीडीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी एमएलसी नारा लोकेश ने जुम्मे के रोज वाईएस जगन मोहन रेड्डी के जरिए पेश रियासती बजट को गरीब मुखालफ और तरक्की मुखालफ कहा। फेसबुक के बाद अब रूस ने इंस्टा और व्हाट्सएप पर लगाया बैन, ज़करबर्ग की मेटा कंपनी को बताया इंतहा पसंद। श्रीलंका गुर्बत के दहाने पर दूध सोने से महंगा, घरों में ना बिजली ना गैस, लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी हुए मोहताज। भारत के पास होम ग्राउंड में लगातार 15वीं सीरीज जीतने का मौका, रोहित शर्मा खेलेंगे 400वां इंटरनेशनल मैच। फरहान अख्तर ने शिबानी डांडेकर से शादी के बाद पहली बार दिया बयान, कहा हमारा रिश्ता शानदार है। न्यूज़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।